सुप्रतानी स्थिर चरणकर व्यापी विभिन्न लोकान् भुक्ता भोगास्तविष्टान् उद्भाषितानामजनयान् कृत्वा सर्वान् विशेषान् स्वकृति मधुरतो मायया भोजयन्नो माया शङ्खातुरीयं परमृतम् ब्रह्मजन्न तोऽस्मि यो विश्वात्मा विधिरविषयान् प्राश्य भोगान् पश्चाचार्यान् स्वमतिभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरविषयै स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण पात्वशो नमस्तु अब उसको क्या बोलते हैं सत्याम
औपाधिक भेदा अवस्थाया भेदा व्यवस्थाएं क्या लिखा व्यवस्था में तस्याम सत्याम औपाधिक ना पहले उसके पहले वहां पे देखे हमारे उपाधिक भेदाद व्यवस्थाएं ठीक है ठीक है कि उपाधि के भेद के निमित्त व्यवस्था सिद्ध हो जाए। एक में व्यवस्था कैसे बनाऊंगे, ये व्यक्ति अलग चलते हैं व्यक्ति अलग चलते हैं, जब एक में सब एक दिशा में चलेगा उपाधि भेद में ये सिद्ध हो जाते होता है। तस्याम सत्याम मतलब अद्वैत पारमार्थिक सत्य होते हुए भी उपाधि का भेदा उपाधि के निमित्त के भेद से व्यवस्थाया सुस्थत्वा व्यवहारिक व्यवस्था जो है वो स्वस्थ रूप में हो सकता है, क्योंकि अव्यभिचारी युक्ति का साकार जो ये व्यभिचार करता है व्यवहार और अव्यभिचारी युक्ति के कारण अद्वैत अधिष्ठान कभी व्यभिचार नहीं करता, इसलिए वो पारमार्थिक सत्य अव्यभिचारी युक्ति वशात अद्वैतस्य परमार्थत्वं प्रतिपादयितुं तृतीयं प्रकरणं ठीक है। अद्वैत का भी कहीं शक नहीं करता, हमेशा एक रूप में बोला था भगवान भाष्यकार की परिभाषा में इतना कि यद रूपेण यद निश्चयते तद रूपं न बहिर्गति तत् सत्यम्। अद्वैत को आप इस मतलब निर्गुण निराकार निर्विशेष असंग पूर्ण व्यापक इस प्रकार से निश्चय हो जाएगा, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, ना कोई शुद्ध न दिखा ना अनुभव में आता है, इसलिए बोलता है ये पारमार्थिक सत्य है। कि अव्यभिचार आदि युक्ति वशात अव्यभिचार युक्ति के बल से अद्वैतस्य परमार्थत्वं वो पारमार्थिक है प्रतिपादन तो प्रतिपादन करने के तृतीय प्रकरण, तृतीय प्रकरण का क्या नाम है अद्वैत। देखिए लिखा अलाद शांति प्रकरणस्य मेरा स्वामी जी अलाद शांति चतुर्थ प्रकरण अलाद शांति प्रकरणस्य अर्थ विशेषम कहते उसका विषय क्या है उसको कहते हैं भगवान भाष्य। अब ऊपर आ जाइए अद्वैतस्य तथात्व प्रतिपत्ति अद्वैत पारमार्थिक है बाकी द्वैत मिथ्या है। प्रतिपक्ष भूताने जानी वादांतराणि इसके विरोध में कहने वाले जितना अलग 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 दर्शन है उन सभी दर्शन अवैदिकानि वो पूरा का पूरा वेद का अनुसरण करके नहीं बनाए, कुछ वेद को लिया कुछ अपना सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए वेद को लिया, वेद से सिद्धांत को नहीं बनाया, सिद्धांत को बना करके वेद से पुष्ट निश्चित अपने अपने सिद्धांत को व्यवस्थित करने के लिए द्वैतवादी अपने सिद्धांत में बिल्कुल अटिंग रहते हैं, परस्पर विरुद्ध आपस में एक दूसरे के संदर्भ में रहते हैं, तो एवं ना विरुद्ध उन लोगों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं, हम उनको भी अपना स्वरूप रूप में देखते हैं विरोध किससे करें। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अवैदिक अनितेशाम अन्योन्य विरोधित्वात् अतथा तेन वो पारमार्थिक नहीं होने के कारण तद उपपत्ति भी एक और उसी को युक्ति के द्वारा निराकरण करने के लिए चतुर्थ प्रकरण यहाँ पे आएगा ठीक है। हम तीन चार पटिप्रद पढ़ लिए थे कल और मिथ्यात्वेन तद मन बाधांतर ही पढ़ लिए थे, अब टीका में आ जाएंगे थोड़ा सा अलाद शांति प्रकरणस्य अर्थ विषयं कथयति तस्य तथात्वम् अबाधित्वेन वस्तुत्वं तत्प्रतिपक्षत्वं पक्षान्तरणम् इति अत्र हेतुः। तस्य तथात्वम् अबाधित्वेन वस्तुत्वं वो जो उनकी जो सिद्धांत है वो जैसा वो दर्शन करके वो तो बाधित नहीं होता, प्रत्यक्ष में भेद दिखाई पड़ता है इसलिए सत्य होगा। तत् प्रतिपक्ष पक्षांतरणम् अब ये सिद्धांत के प्रतिपक्ष है जो विरोधांत है प्रतिपक्ष हमारे सिद्धांत के विरुद्ध पक्षांतराना वो यहाँ पे पक्षांतर इति अत्र हेतु मा वो क्यों पक्षांतर हो गया कि अवैदिक कार्यों को तो पूरा वेद को एक साथ समन्वय नहीं कर पाए इस कारण से यथार्थ अद्वैत ठीक है। तेषां निराकार्यत्व हेतु आह वो निराकरण करने के लिए कारण क्या है, उसका निराकरण क्यों करना चाहते और तथा ये यथार्थ सिद्धांत नहीं है भेद को व्यवस्थित दिखाने के लिए उनका सिद्धांत भेद को लेकर के चला और शास्त्र कहता है कि एकत्व की मुक्ति से मुक्ति है, एकत्व के ज्ञान से मुक्ति है और भेद को प्रतिपादन करना चाहते हैं सारा द्वैतवाद, इसीलिए यथार्थ दर्शन नहीं है इससे मुक्त वेदांतिक सिद्धांत और शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार ये मुक्ति मुक्तिदायी सिद्धांत नहीं, मुक्ति देने वाला सिद्धांत नहीं है, भेद से मुक्ति नहीं होता। देश का जो हेतु
और तथा तेन हो तथा सिद्धांत भी होने के कारण मिथ्या द्वैत निष्ठा तेन और तथा तेन को अर्थ आपने कर दिया जो द्वैत प्रपंचित पारमार्थिक है उसी में निष्ठा रखने के कारण उसी में निष्ठा रखने के द्वैत प्रपंच जो पारमार्थिक है मिथ्या द्वैत निष्ठा तेन उसमें निष्ठा रखने के कारण वो सिद्धांत खंड चार नंबर टिप्पणी में देखिए हम आपके पुस्तक में अलग नंबर हो सकते हैं खंडन क्यों करते प्रसंग आने पर व्यवहार के लिए तो ठीक है जब मुक्ति के लिए प्रयास करके निर्देश आनंद प्राप्ति के प्रयास करता भी द्वैत प्रपंच आपको मदद नहीं कर पाएगा निराकरण हेतु में उसको युक्ति के द्वारा क्यों आप शास्त्र के द्वारा निराकरण करते हैं युक्ति के द्वारा निराकरण क्यों करते हैं वो तो युक्ति के साथ हमारे सामने आते हैं आपस में विरोध करते हैं युक्ति के द्वारा यदि जगत यदि कार्य साथ होता तो कुलाल की व्यापार की क्या आवश्यकता है यदि कार्य पहले से है नहीं उत्पत्ति कहाँ से होगा सत्य उत्पत्ति कहाँ से जिस प्रकार सांख्यवादी न्याय वैशेषिक न्याय वैशेषिक सांख्य को दोष देते आए हैं प्रश्न आए इसलिए बोलते हैं अनन्य विरोधी अर्थात उत्पत्ति भी जब निराकरण है उसको युक्ति के द्वारा निराकरण करने में हेतु क्या है अन्योन्य विरोधी आपस में एक दूसरे के विरोध करते हैं पक्षांतर प्रतिषेध मुखेन अद्वैतम एव दृढ़ अंत्यम ठीक है ना पक्षांतर और जितने वादियों के सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों को निषेध के माध्यम से कहाँ निषेध किया गया अला संख्या पक्षांतर प्रतिषेध मुखेगा अद्वैतम एवं अद्वैत सिद्धांतों के दृढ़ करने के दृढ़ अंतिम प्रकरण मतलब अला संख्या प्रकरण ठीक है चार प्रकरण का विषय को बताया इस प्रकार से जो भूमिका रूप में था वो पूरा मतलब दो श्लोक उसकी व्याख्या और ग्रंथ क्या शुरू करना चाहिए तो मैं पहले ही बोला था कि पहले अंतिम तीन श्लोक जो भगवान भाष्यकार ने लिखे हैं उसको भी हम आप इस रोज यहाँ के दो पीछे का श्लोक नहीं पढ़ेंगे अभी क्या करेंगे एक दिन यदि पहला श्लोक पढ़ा तो दूसरा दिन दूसरा श्लोक तो बिगिनिंग में अल्टरनेटिवली दो श्लोक है बिगिनिंग में प्रज्ञान अंशु बल्लानी जो विषयांत विधि जो विषयांत ठीक है ना एक दिन पहला पढ़ेंगे दूसरा दिन दूसरा पढ़ेंगे अंतिम भगवान शंकर ने कैसे शुरू किया कैसे समाप्त करते उनकी मतलब शैली को देखते भाष्य जो है वो अपनी है परंतु किसी ग्रंथ का तो गुरु परंपरा के प्रति क्या संगति होती है वो देखने लायक है इसीलिए पहले अंतिम में जो तीन श्लोक है वहां पे आ जाएंगे आपका पुराना पुस्तक में अलग हो सकता है नंबर उसको देखिए अंतिम में जो तीन श्लोक है मतलब भगवान भाष्यकार समाप्ति के रूप में जो तीन श्लोक को लिखे हैं उसको अभी करेंगे तो हम भगवान भाष्यकार की जो विविध विषय धर्म ग्राहि बुद्धे क्षणानां विविध विषय धर्म ग्राहि बुद्धे क्षणानां प्रणत भय विहन्ति ब्रह्मयत्तन्न तोऽस्मि प्रणत भय विहन्ति ब्रह्मयत्तन्न तोऽस्मि अजमीयोगा
अनन्यां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्म ग्राही उपदेशणानां प्रणत भय विहंती ब्रह्मयत्तन्नमोऽस्मि। मैं पहले बोला लास्ट से शुरू करना पड़ेगा इसको अन्याय करने के लिए। जब ब्रह्म तब न तो पहला श्लोक में देखिए, श्लोक में देखिए बीच में कुछ भी करे भगवान के स्मरण से स्मरण से चुप नहीं। तो जब ब्रह्म जब शब्द प्रसिद्धि का दो, पहले बोला जब शब्द प्रसिद्धि का दो है जिसका अभी क्या मतलब, मतलब जिसको लेकर अभी तक हम लोगों ने विचार करते रहे उस ब्रह्म को, न तो उसके प्रति मैं झुका हुआ उसके प्रति, जो ब्रह्म है उसके प्रति न का मतलब क्या है, तीन प्रकार के नमस्कार मैंने बताया था। जो ब्रह्म सबसे उत्तम नमस्कार है अभिन्नता के चित्त, सबसे उत्तम नमस्कार है अभिन्नता के चित्त एकत्र। नेक्स्ट नमस्कार है भगवान को अंतर्यम रूप ईश्वर के रूप में, अंतर्यम रूप में रख करके उनको बात करना ईश्वर उनके साथ प्रणाम करना, मतलब यही एकत्व के भाव उनका अनुसरण। थर्ड हो गया बाहर जो देवी देवता के रूप में है उनको प्रणाम, जो हम लोग करते हैं लोग उसी को देखेगा ना, लोग तो आपका अंदर नहीं देख पाएगा उसको भी रक्षा करना है, तो लोग शिक्षा के भी आप नहीं हो पाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति लोग नहीं समझ पाएगा, इसीलिए ईश्वर को प्रणाम करना जो लोग नहीं करते उसकी तुलना बहुत उत्तम है, जो लोग नहीं करते देखो उसकी तो बहुत उत्तम है, इसलिए रिलेटिव। तो जब ब्रह्म तब न तो मैं तो रोज अधम भी काम करता हूँ, आप लोग देखते ही हैं एक दिन मैं स्कूल में उसे मैं यहाँ पे खड़े होकर के बाहर तक दरवाजा अंदर घुसने का नया नया था लोग सीख कर लेंगे। तो मनन समझी तो मनन समझी पीछे से आए क्यों फुसला रहे हो बुढ़े को, बोल रहे बुढ़े को क्यों फुसला रहे हो, शिव जी को बोल रहे हैं बुढ़े को क्यों फुसला रहे हो, मतलब मैं कुछ अपनी कुछ बोल रहा हूँ बोल तो उसको क्यों आप मतलब ये कर रहे हो फुसलाने, मतलब उसको जो कुछ करने के लिए बोल रहा है ऐसा क्यों मिला रहे हो योगम, योनि के साथ योग
जन्म का जन्म के साथ योग हो जाए, जन्म के साथ योग हो जाना। अजम अभी जनि योगम जन्म प्रादुर्भाव धातु है ना, मतलब जन्म के साथ योग हो जाता है। तो मतलब है अजम अपि योनि, मतलब जन्म रहित होते हुए भी जन्म के साथ युक्त हो जाता है। जैसा कैसे होता है वो ऐश्वर्य योग अपनी माया शक्ति के वजह से अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो मतलब योनि क्या हुआ कि जन्म रहित होते हुए भी जन्म हुआ जैसा इस प्रकार से बोध होता है, प्राप्ति होती है। क्यों? अपनी ऐश्वर्य के बल में माया शक्ति वो इस प्रकार दिखाई पड़ती है। और क्या पूर्ण है, व्यापक है, इसमें कोई गति आगति होना संभव ही नहीं। फिर भी क्या होता है कि माया शक्ति से बल के उपाधि के माध्यम से परिच्छेद दिक्कत अगति गतिमत्याम, गति रहित होते हुए भी वो गतिशील है ऐसा प्रतीति होती है। एक होते हुए भी प्राप्त एकम ही अनेकम, एक होते हुए भी अनेक रूप में प्राप्त होते हैं। एक होते हुए मतलब जन्म रहित होते हुए भी जन्म हुआ जैसा, गति रहित होते हुए भी गति हुआ जैसा, एक होते हुए भी अनेक हो गया जैसा, जैसा हम बोल रहे हैं प्रतीति ऐसी होती है। कौन देखते हैं, कौन लोग ऐसा देखते हैं, किसको ऐसा प्रतीत होता है, ज्ञानी को कैसा देखते हैं, अज्ञानी को कैसा देखते हैं। तो कौन लोग इस प्रकार से देखते हैं कि ये ब्रह्म ईश्वर ईश्वर नाम रूप में अभिव्यक्त होकर पैदा हुआ सकता है, ये कौन किस लोग कौन लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धेक्षणानाम। विविध विषय अलग अलग विषय और उसकी धर्म उसको ग्रहण करना स्वभाव हो गया, उससे अच्छा लगता है जिनको वेद को ग्रहण करना और उसके धर्म को ग्रहण करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुक्त एक क्षण आना मतलब मोहित होकर के देखने को अच्छा लगता है। जैसे हम लोग कभी कभी चिड़ियाघर में जाते हैं, बंदर होते पशु लीला देख करके अच्छा लगता है, खरीद के जाते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ भी ऐसे जन्मांतर के पुण्य के बल से मनुष्य शरीर मिला और भेद देख करके व्यवहार करने को देखना अच्छा लगता है। इन लोगों के लिए ब्रह्म ऐसा करने वालों का इसलिए होता है विविध विषय धर्म ग्राही मुख दीक्षण आना। उनके लिए तो भगवान ये मतलब ये जो ब्रह्म इस प्रकार से जन्म रहित होते हुए भी जन्म वाला है और गति रहित होते हुए भी गति वाला है और मतलब एक होते हुए भी अनेक वाला है। इस किसके लिए, जो मुक्त बुद्धि अविवेकी व्यक्ति के लिए ऐसा है। अलग अलग प्रकार की वस्तु को देखना ग्रहण करना ये भी अच्छा लगता है जिन लोगों को, मतलब जो द्वैतवादी को भेद में विचरण करना अच्छा लगता है जिन लोगों को, उनके लिए तो ब्रह्म ऐसा है। परंतु एकत्व चिंतन करने के लिए भाष्यकार अपि भाष्य परिसमाप्तौ शास्त्र प्रतिपादित परदेवता तत्त्वम् अनुस्मृत्य तन्नमस्कार रूपं मंगलाचरणं आचरति। जैसे हम सूर्य में मंगलाचरण करते हैं इसी प्रकार अंतिम में भगवान ग्रंथ लेखना निर्विघ्न समाप्ति कर पाया और फिर आगे इसका लोगों के हित में आज इस भावना को देकर के अंतिम में भी मंगलाचरण। इस समय भाष्यकार अभी आप देखिए अभी क्यों बोल रहे हैं, अंतिम में देखिए गौरवाचार्य का श्लोक लास्ट 100 नंबर श्लोक देखिए। दुर्दर्शम अति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम बुद्ध्वा पदम अनानन्दम नमस्कुर्म यथावरम। मिला अंतिम में नमस्कार कर रहे हैं और फिर मतलब हाँ मतलब कौन गौरवाचार्य ने किया और भाष्यकार भी कर रहे हैं अभी।
उपनिषद का अंश कार्य का है, ये गौर उपाचार्य के लिए स्मृति है, ये स्मृति है और वो तो है स्मृति है, ये स्मृति है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गौर उपाचार्य ने भी अंतिम में इष्ट को नमस्कार कर दिया है ना, जब उच्छु दूरदर्शन अति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम बुद्धा पदम अनात्म, देखिए समझ गया कि भेद नहीं है, उस कमल उसको बोलते उस भेद रहित पद को मैं नमस्कार करता हूँ, मतलब उस किसको मैं चिंतन हमारी स्वरूप है जिस प्रकार से प्रणाम यहाँ पे होना संभव है, अद्वैत में जैसे प्रणाम होना संभव है ऐसा प्रणाम है जैसा अद्वैत में जैसा प्रणाम होना संभव हो तो अभिन्न एकत्व बोध ही सबसे बड़ा प्रणाम है, ये सबसे बड़ा प्रणाम इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं इदानी। इसके पहले गौर पदाचार्य ने अपने अंतिम में मंगलाचरण करके इष्ट को नमस्कार किया। आप भाष्यकार भी वैसे ही कर रहे हैं, भाष्यकारों अपनी अपनी मतलब गौर पदाचार्य ने भी किया, भाष्यकार भी कर रहे हैं। भाष्य परिसमाप्त तो जैसे गौर पदाचार्य कारिका की परिसमाप्ति में नमस्कार किया मंगलाचार्य, इसी प्रकार भगवान भाष्यकर भी अपने भाष्य की परिसमाप्ति में मंगलाचार्य, ठीक है ना। भाष्य परिसमाप्त तो भाष्य की परिसमाप्ति पर शास्त्र कैसे करते हैं, शास्त्र प्रतिपादित पर देवता तत्त्वम अनुस्मृत्य, शास्त्र में प्रतिपादन कर गया किया गया जो श्रेष्ठ पर देवता परमात्मा के अंदर जो तत्व है उसको अनुस्मरण करके उसको स्मरण करते हैं ना। शास्त्र प्रतिपादित पर देवता तत्त्वम, शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है जो परम देवता के अंदर जो तत्व बैठा हुआ है, निर्विशेषता जिसकी तत्व है, व्यापकता पूर्णता शुद्धता जिसके तत्व है, ठीक है ना, उस तत्व को अनुस्मृत्य अनुस्मरण करके। देखिए यहाँ पे स्मृत धातु शॉर्ट वर्बल है, ऐसा है वो सर्वथा परिच्छेद रहित, किसी भी प्रकार की देश परिच्छिन्नता वस्तु परिच्छिन्नता काल परिच्छिन्नता कुछ भी नहीं है, देश में परिच्छेद तीन प्रकार की होते हैं ना, देश परिच्छिन्नता वस्तु परिच्छिन्नता काल परिच्छिन्नता, तीनों प्रकार की परिच्छेद से रहित। तद अहम प्रत्यक भूतम, वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है प्रत्यक, मैं हूं तो शरीर नहीं, अहम बोलने से माना है शरीर को बोले नहीं नहीं प्रत्यक भूतम स्वरूप भूतों का, न तो अस्मि कुछ ब्रह्म को प्रति
जैसा कहा बहुत पदाचार्य ने पूर्ण रूप से उसको समर्थन आपने आपके पति मेरा झुकने का अभिप्राय क्या है जो आपने कहा उस आपकी कहावत पे किसी जगह के साथ हमारा कोई भी मान विरोध नहीं ये आपका पूर्ण उसका समर्थन ये मतलब आज बात कोई वेदांतिक पारमार्थिक सिद्धांत है अभी सिद्धांत तो पुष्ट भगवान भाष्यकार ने अधिक किया और पदे जो सामान्य सिद्धांत रख दिया मतलब समझाने के लिए भगवान भाष्यकार इस प्रकार से बोलते हैं प्रभवी भाव मतलब आपके सिद्धांतों के प्रति मैं पूरा झुका हुआ हूँ अद्भुत सिद्धांत दिया प्रभवी भाव कर्मी इति संबंध ऐसा अन्वय कर यद ब्रह्म तन्ना तो अस्मि पहले प्रणाम करने से क्या लाभ होगा प्रणाम करने से क्या लाभ होगा मतलब एकत्व की भावना से क्या लाभ होगा अरे जो डरे हुए हो तुम अपने को संसार से अपने बंधुत्व से अपने शरीर से डर मिट जाएगा शोक मिट जाएगा आत्यंतिक शोक निवृत्ति जाएगा इसलिए बोलता है कि प्रणाम प्रयोजनम अह इस प्रकार के प्रणाम की क्या प्रयोजन है क्या फल है क्या लाभ है तो बोलते हैं प्रणत भय विहंत्री ठीक है आगे ये ही प्रणता ब्रह्मणि प्रकटीभूतः तन्निष्ठा तिष्ठन्ति तेषां यत् अविद्या तत् कार्यात्मकं भयं तत् आचार्य उपदेश जनित बुद्धि जनित बुद्धि वृत्ति फलकारूढं ब्रह्मैव हन्ति न खलु जड़ा बुद्धि वृत्ति पूर्ण विराम है हमारे यहाँ पर कोई विराम उराम नहीं तो कमा कर दीजिए वहाँ ठीक है अच्छी बात है बहुत अच्छा हम देखिए यहाँ पे ये ही प्रणता जो लोग नमस्कार करते हैं कहाँ पे ब्रह्म के प्रति ब्रह्म में एक नमस्कार होना चाहिए था आपके उस तरह के चतुर्थी होना चाहिए सप्तमी मतलब क्या हो गया वो प्रणाम ये बाहरी प्रणाम नहीं है एक हाँ एक हो जाना यही तो मैं बोलता हूँ इसको थोड़ा थोड़ा सोच के करिए बोल रहे हैं नमस्कार में चतुर्थी विभक्ति होना चाहिए वो चतुर्थी विभक्ति भेद में जो तो होता है सप्तमी विभक्ति के उपयोग कर दे प्रणाम में तो व्याकरण तो विरोध हो जाएगा बस यहाँ पे द्वैत को मिटाने के लिए सही हो जाते हैं इसलिए उपयोग सकते हैं ना यहाँ पे ब्रह्मणि प्रकटीभूतः जो अंदर हमारे प्रकटी लिखा हुआ है और ऊपर जाते का है प्रभवी भूता प्रभवी भूता मतलब दंडवत नमस्कार करना जो यहाँ पे क्या बोलता है नमस्कार करने से आपके अंदर जो भाव प्रकट हुआ है करते के भाव जो प्रकट हुआ प्रभवी भूता मतलब आपने नमस्कार किया मतलब नमस्कार मतलब एकत्व की चिंतन एकत्व की चिंतन के फलस्वरूप आपके अंदर जो बोध उत्पन्न हुआ मतलब जो भाव ये जो प्रकटीभूता क्या हो गया तन निष्ठा क्या निष्ठा भगवान की बार बार चिंतन करने पर भगवान के प्रति निष्ठा उस निष्ठा भाव उस निष्ठा में तिष्ठन्ति विद्यमान है तेषां जब फलत क्या होता है उस निष्ठा में रहने के कारण तेषां जब अविद्या तत् कार्यात्मक जो अविद्या और अविद्या के कार्य जो अज्ञान और अज्ञान के कार्य दोनों को नाश करते हैं कारण और कार्य से कारण को नाश करते हैं कार्य सहित कारण को नाश करते हैं इसे बोलते हैं जब अविद्या तत् कार्यात्मक भय वो भय कैसे मिटता है तत् आचार्य उपदेश जनित है ना ये अपने आप पढ़ने से नहीं आचार्य की उपदेश से उत्पन्न होता है जनित उसे उत्पन्न आचार्य उपदेश जनित बुद्धि वृत्ति फल का रूढ़ अब ये फलक जानते हैं ये नहीं होता है हल लगाते हैं हल आचार्य का उपदेश सुन करके फिर मनन करते करते बुद्धि वृत्ति शुद्ध होने पर वो बुद्धि अग्रभाग में प्रकाश प्रज्वलित
क्या अद्भुत माने लिखने का, क्योंकि देखो आप एक नंबर टिप्पणी दे रहे हैं ना, बुद्धि वृत्ति फलकारूढ है ना, बुद्धि वृत्ति फलकारूढ मतलब सूक्ष्म बुद्धि में अभिव्यक्त हुआ, सूक्ष्म बुद्धि में अभिव्यक्त, क्योंकि बुद्धि जड़ है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, बुद्धि तो जड़ है, परंतु उस सूक्ष्म उस शुद्ध बुद्धि में अभिव्यक्त हुआ जो चेतन तत्व, वो चेतन तत्व क्या करते हैं, वो फलकारूढ ब्रह्म ही वहन्ति, ब्रह्म ही अविद्या और अविद्या के कार्य को नाश करते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, न खलु जड़ा बुद्धि वृत्ति, जड़ जो बुद्धि वृत्ति है वो तो निश्चित ही अज्ञान को नाश नहीं कर सकती है, ठीक है ना, न खलु जड़ा बुद्धि वृत्ति, ठीक है ना, बुद्धि वृत्ति जड़ है वो नाश नहीं कर सकता, वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण अज्ञानम साकार्यम अपने तुम अलम, ठीक है ना, कि यहाँ पे वस्तु सामर्थ्य भाई आत्म नामक वस्तु, ब्रह्म नामक वस्तु से सामर्थ्य प्राप्त किए बिना ये कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं होते हैं, बुद्धि हाँ बुद्धि भी आपकी बुद्धि की सूक्ष्मता अथवा कुछ भी हो कहाँ से आता है, वो परमात्मा की कृपा से उसके सामर्थ्य उसको बोलते हैं वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण आत्म नामक वस्तु अथवा ईश्वर उस वस्तु के सामर्थ्य के बिना अज्ञान साकार अज्ञान उसके कार्य से उसको अपने तो न अलग न तो संभव नहीं है उसको। एक नंबर टिप्पणी फल का लोग देखिए, फलकम फलम आयाश लांगल अवयवम, ये फलक मतलब है लोहे का बना हुआ, लोहे का बना हुआ लांगल के अग्रभाग, जो हल होता है ना हल के अग्रभाग तीक्ष्ण होता है, जमीन को फाड़ता है, जमीन को फाड़ता है, आप उस लोहे के अग्रभाग को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको आग में डालना पड़ता है, फिर वो लोहे के अग्रभाग की बनाने के लिए आप उस आग में डाल करके उसको जलाते हैं, तो वो लोहे की अग्रभाग जलाता कौन है, लोहा जलाता है कि आग जलाता है, आग जलाती है, परंतु आप हमको क्या दिखता है लोहा ने जला दिया, ऐसे यहाँ पे हो रहा है, बुद्धि कुछ नहीं करते हैं, करते हैं ब्रह्म, बुद्धि फलकारों बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि के अग्रभाग में बैठ करके जिस प्रकार जल जला दिया आप हम बोलते हैं पानी ने जला दिया, पानी ने नहीं जला मतलब अग्नि उपहित पानी ने जला, ठीक है ना, इसी प्रकार ब्रह्म के द्वारा चैतन्यता को प्राप्त करके ब्रह्म ही मुख्य बुद्धि जो है सूक्ष्म बुद्धि में प्रतिफल शुद्ध अशुद्ध बुद्धि में वो अभिव्यक्त होता है, वो हमारी अज्ञान अज्ञान कार्य को नाश करते हैं, अज्ञान अज्ञान को नाश करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बुद्धि फल कारण ब्रह्म तो फलकम फलकम आयश आयश मतलब होता है लोहा लांगल अवयव जो लांगल की एक हल की अगलक अवयव तब आरूढ़ अनल मतलब उस लांगल के अग्रभाग में विद्यमान जैसे मान लीजिए इस पेन को टिप को हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं और उस पेन को टिप के द्वारा मैं किसी जगह पर रखूंगा उस जगह को छेद कर हम क्या बोलेंगे पेन ने छेद कर दिया नहीं वो गर्म जो है उसको छेद कर इसी अशुद्ध बुद्धि में प्रतिफल स्पष्ट नहीं करते इसलिए हमें बोलते हैं कि तद आरूढ़ अनल यथा दहादिकम करते जैसे वो लांगल के अग्रभाग में विद्यमान अग्नि जैस प्रकार उसके संपर्श में आने वाले व्यक्ति को जला देते हैं इसी प्रकार से सूक्ष्म बुद्धि शुद्ध बुद्धि के अग्रभाग में विद्यमान जो ब्रह्म वो अज्ञान और अज्ञान के कार्यों को मतलब भेद देखना भेद दृष्टि को जला देते हैं इसका भी पता है तद्वत इति अर्थे उसी प्रकार से यहाँ जो मैं न करूँ जड़ा बुद्धि वृत्ति वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण अज्ञानम सकार्यम अपने तो अलग दो नंबर टिप्पणी वस्तु सामर्थ्य ठीक है ना चित्त रूप सामर्थ्यम चेतनता के बिना कोई क्रिया होना समझ में क्रिया नहीं चेतन सामर्थ्य तब निष्ठ ज्ञान मतलब चेतन संबंधित जो ज्ञान है वो क्या होता है अज्ञान में तब कार्य नाश अनुकूल शक्ति हो अज्ञान अज्ञान के कार्य के नाश का अनुकूल शक्ति वो कहाँ पे आती है वो ब्रह्म के सान्निध्य में बुद्धि शुद्ध बुद्धि में वो अभिज्ञान बुद्धि बुद्धि उत्तम फलम आदधति ठीक है ना जो उत्तम फल मतलब अज्ञान अज्ञान को कार्य को नाश करते हैं आधान करते हैं अपनी अंदर की भेद बुद्धि को नाश करते हैं अपनी अंदर की जो भेद बुद्धि है उसको नाश करते हैं कौन नाश करते हैं दो प्रकार से
बुद्धि बोध से प्रज्वलित हो गया, सूक्ष्म बुद्धि दोनों प्रकार से, मैंने आप क्या हो गया, बोध और बुद्धि अलग नहीं रह गए, बोध स्वरूप आत्मा और बुद्धि अलग नहीं होने एक हो गया, और वो एक ही क्यों, एक जैसे हुआ वो सारा भेद को मिटा देता है, लेकिन तो बुद्धि हमारे अंदर अभिव्यक्त होना मतलब भेद बुद्धि को मिटाएगी, ज्ञान उत्पन्न होना मतलब अज्ञान को मिटाएगा ही मिटाएगा, तो ये जो एकत्व बुद्धि उत्पन्न होना मतलब भेद बुद्धि बनता है, इसलिए बोधित्व बुद्धि अथवा बुद्धित्व बुद्धि, बोध स्वरूप है आत्मचेतन और बुद्धि एक जड़ अंतकरण है, वो शुद्ध अंतकरण प्रतिफलित चेतन, वो बुद्धि ब्रह्म के चिंतन करते 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 ब्रह्माकार वृत्ति में हो गया, तो ईश्वर चिंतन करते करते ईश्वर के साथ वो अधिष्ठान के साथ एक हो जाता है, बुद्धि से बोध होता है, बुद्धि से बोध ना ना बुद्धि से तो बोध, बोध कभी भी बुद्धि का विषय बनेगा ही नहीं, जब यदि बुद्धि से बोध होगा वो तो व्यावहारिक में होता है, तो आत्म बोध बुद्ध से नहीं, बोध मतलब ज्ञान है, पर जो स्वरूप ज्ञान है ये विषय ज्ञान नहीं है, आप क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बुद्धि तो बोध और बोधित तो बुद्धि दोनों को एक करके बोलने का अभिप्राय क्या है, अंतकरण की और अलग सत्ता नहीं रह जाता, अंतकरण अधिष्ठान के साथ एक होकर अभी अंतकरण अलग है, यद्यपि एक साथ एक ही है, दोनों को किसी को दिखाई दे, रज्जु को तो सर्प दिखाई पड़ता है, वो रज्जु ही दिखाई पड़ता है, मतलब सर्प इस समय क्या भ्रांति के कारण अंतकरण अलग रज्जु अधिष्ठान ही पड़ता है, उस समय क्या होता है वो रज्जु अपने अधिष्ठान के ऊपर दिखाई दे रहा है, सर्प कहाँ लय प्राप्त करता है, बोधित्व बुद्धि बुद्धित्व बुद्धि, कितना अनुभव रहने पर ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा शब्द जिसको शब्दों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है उसको समझाने के लिए क्या प्रयास करते हैं, बुद्धि फलित इति अर्थ, ठीक है ना, अब क्या हो गया, बुद्धि आप जो है फल रूप हो गया, फलित बुद्धि फलित ब्रह्माकार वृत्ति बनाते 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 बनाते, देखिए ईश्वर चिंतन करते करते क्या होता है, मन हमेशा उसी में आप उसी में ही लय हो जाता है, भक्तों के लिए भी होता है, भक्तों के लिए यदि आप मीरा को देखेंगे उस समय तुलसीदास को देखेंगे, आप सुशांतन रूप गोस्वामी को देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे, देखना कृष्ण रूप हो जाते हैं, उसमें ना कुछ निकलता ही नहीं, और जब यहाँ पे निर्गुण निरा किसी को वहां पे क्या है एक निर्दिष्ट नाम रूप में दिखाई देता है, यहाँ पे क्या निर्विशेष रूप में बुद्धि होता है, फलित होता है बुद्धि निर्विशेष अवस्था, उसमें बुद्धि में शुद्ध चेतन ही प्रतिफलित होता है, और यहाँ पे क्या है सविशेष चेतन दिखता है, द्वैत दर्शन क्या है, तुलसीदास श्री आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम करे, देखिए आप बताइए वो सारा जगह में क्या दिखाई दे रहा है, राम सीता ही दिखाई दे रहा है उसको, कृष्ण भिन्न किस तत्व को मैंने आज तक जाना ही नहीं, मेरा भी कथन है उसकी चेतन हम कृष्ण कृष्ण लगा रहते थे, इसलिए यहाँ पे कोई मतलब भिन्नता नहीं है, आप किसी एक विषय एक मान तो मुख्यता क्या दिखाई देता है, कॉमन क्या दिखाई देता है, एक निष्ठा, चाहे आपका सविशेष निष्ठा हो चाहे निर्विशेष निष्ठा, परंतु निष्ठा एक चाहिए, जो ऊपर बोला ना कि ये ऊपर पहले बोल कर कहा है ना प्रकटी भूतात्ता निष्ठा निष्ठा निश्चय न स्थिता, निष्ठा मतलब निश्चय करके हम स्थिर हो जाओ, अव्यभिचारी निष्ठा एक दिन मोक्ष है, और उसी से बोध अभिव्यक्त होता है, नमस्कार किया नमस्कार के फल दिखाया, अब उसी ब्रह्म का तटस्थ लक्षण को कहते हैं, ठीक है ना, तस्से उसी ब्रह्म का जिस ब्रह्म को ले अपने नमस्कार किया जिस ब्रह्म को लेकर कभी तक विचार किया, तस्से मतलब प्रणति विषयस्य जिसको हमने प्रणाम किया उसी के विषय में तटस्थ लक्षण को कहते हैं, ब्रह्म न संप्रति तटस्थ लक्षण विवक्षति स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्या बोलते हैं अजम अपि योनि रूपम, ठीक है ना, जन्म रहित होता हुआ भी जन्म के साथ युक्त हो गया जैसा हमारे इधर से जैसा, और भेद बुद्धि होने के लिए सही
देखिए इसका अर्थ लिखते हैं, यद्यपि जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यम, ठीक है ना, कौन ब्रह्म वस्तु तो परमार्थ की दृष्टि से ब्रह्म जन्म आदि समस्त विक्रिया, क्या विक्रिया है उसमें, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमत अवक्षयते नश्यते, इच्छा जो भाव विकार है ब्रह्म, ये छह भाव विकार से रहित है, इसलिए हमें बोलते हैं यद्यपि जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यम वस्तु तो ब्रह्म कूटस्थम आस्थीयते, कूटस्थ रूप में हमेशा विद्यमान रहता है, तथापि फिर भी तद ऐश्वर्य तद ऐश्वर्येण क्या है अनिर्वचनीय अज्ञान के विभव क्या, वैभव क्या है, एक को अनेक रूप में दिखा देता है, यही है अनिर्वचनीय अज्ञान की वैभव विभूति ऐश्वर्य क्या है, एक को अनेक रूप में दिखाते हैं, ये माया की कला, जादूगर नहीं दिखाते कुछ नहीं है उनके पास, कितने की चीजों का यहाँ बोलते हैं कि अनिर्वच्छ अज्ञान वैभवेन योगा युक्त होने के फलस्वरूप आकाश आदि कार्यात्मना जन्म संबंध प्राप्त, आकाश आदि जो कार्यात्मक जगत है उसके साथ संबंध को प्राप्त करके जगत निदानम इति व्यापदेश भाव, जगत के उपादान कारण है इस प्रकार उपदेश के लिए भागीदार बन जाते, वेदांतिक सिद्धांत को जब हम बोलते हैं कि जगत की अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है ब्रह्म है, उपाधि के साथ अज्ञान के साथ वास्तविक मान में कोई उपादान निमित्त कारण कुछ है नहीं, व्यापदेश भी उपदेश भी उपदेश व्यापदेश भी और अपदेश होगा क्योंकि कहां है कुछ तरह का स्थिर तो भी व्यापदेश अपदेश है ना, विशेष रूप से दिश धातु जो एंटायर अर्थ में आता है मतलब उपसर्ग लगने पर उपदेश अर्थ में अपदेश मतलब देखिए मैं ये नहीं व्यापदेश मतलब क्या होता है कि सही उपदेश नहीं है विरुद्ध जो मतलब जो बोलते हैं कि पारमार्थ नहीं तो बोलते हैं कि उपदेश से बोलते हैं मतलब उपदेश यहाँ पे नहीं बोले व्यापदेश मतलब क्या है सिद्धांत विरुद्ध मुख्य सिद्धांत के साथ मतलब ये माया के साथ होता है पारमार्थिक नहीं है इसको समझाने के लिए व्यापदेश भाव नहीं तो उपदेश भाव यहाँ पे कूटस्थ कूटस्थ मतलब होता है जो कूट की तरह रहता है जिसमें मतलब अनचेंजिंग एनविल जिसको बोलते हैं ना ब्लैकस्मिथ के पास जो एनविल रहता है जिसके ऊपर सारा काम चलता है परंतु उसके अंदर कोई परिवर्तन ठोका पीटी कितना करते हैं ब्लैकस्मिथ तो परंतु उसमें कोई परिवर्तन इसी प्रकार वो कूटस्थ नित्य वस्तु उसके ऊपर जो सृष्टि से मिल जाएगी ये चल रहा है परंतु उसमें कोई परिवर्तन से कूटस्थ होता है कूट का दूसरी मत क्या है कूट शब्द का अर्थ होता है कुटिलता माया जो माया के ऊपर है कूटस्थ माया के ऊपर बैठे यद्यपि जन्मादि सर्वं उसी पंक्ति यद्यपि जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यं वस्तुतः ब्रह्म कूटस्थम अस्ति तो हमेशा एक रूप में रहते हैं एनविल जैसे रहते हैं कुछ भी हो जाए कुछ भी परिवर्तन नास्ति यदि तथापि तद् ऐश्वर्येण तदीय अशक्ति आत्मकेन उसी का अपना स्वरूप भूत एक शक्ति है अनिर्वच्य ज्ञान वैभवेन अनिर्वचनीय अज्ञान की वैभव से योगा उसके उसके साथ जो वहां पे कोई टिप्पणी है योगा के साथ योगा का पहले भी एक था दस्य मुचन अभी तो मैं पढ़ लिया था प्रणति विषय से जिसको प्रणाम किया ब्रह्म को उसी को ही योगा अनादि तादात्म रूप संबंधा द्वितीय अर्थ देखिए आपका अज्ञान के साथ संबंध कब हुआ अनादि मतलब पता नहीं कब हुआ पता नहीं आपको मैं पूछूंगा रात को कितना बजे आप निद्रा आए थे आपको बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे हम बिस्तर में कितना बजे गए थे इतना तक हम बता सकते निद्रा कितना बजे आया हुआ नहीं बता पाएंगे कई माया निद्रा अज्ञान निद्रा कितना बजे है किसी को पता नहीं लगता ही इतना ही मात्र से निद्रा का पता ही इसलिए बोलते यहाँ पे कि योगा अनादि तादात्म रूप संबंध है ना अनादि एक आध्यात्मिक तादात्म संबंध से यहाँ पे ऐसा संबंध के साथ सर्व का क्या संबंध है
अर्थात आकाश आदि कार्यात्मना जन्म संबंधम प्राप्त, आकाश आदि कार्यात्मक जगत के साथ जन्म का संबंध प्राप्त करके जगत निदानम जगत के उपादान कारण ही व्यापदेश भाग भवति, मतलब विरुद्ध उपदेश के मतलब यथार्थ उपदेश नहीं, व्यापदेश भाग में अधिक पहले यथार्थ उपदेश नहीं है वो, इस प्रकार के भाग के योग बन जाते हैं। तथा च श्रुति श्रुतयोः ब्रह्मनो जगत कारणत्वं प्रसिद्धम् इति अर्थः है। इसी को तो 6 नंबर टिप्पणी तथा च उसी रीति से ये होना संभव है, दूसरा किसी और से संभव नहीं, क्योंकि अस्मत् उक्त रीत्या एव जैसे हमने कहा तथा च जैसे हम लोगों ने देखा, मतलब आध्यात्मिक तादात्म संबंध से ब्रह्म में जगत की कारणता कहा जाता है। कहाँ कहा गया? श्रुति में भी कहा गया है और सूत्रकार ने ब्रह्म सूत्र में ऐसे ही कहा गया है। बताए श्रुति सूत्रयोः ब्रह्मन और श्रुति में और सूत्रकार ने ब्रह्म सूत्रकार ने वेदव्यासि ने ब्रह्मन और ब्रह्म में जगत कारणत्व ब्रह्म का जगत कारणत्व को प्रसिद्ध जो दिखाया गया है वो इसी सिद्धांत के आधार पर आध्यात्मिक तादात्म संबंध को मान्यता देकर के वो जगत की अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा गया। वो अभिप्राय इतना ही है, क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह मान्यता है, चाहे किसी भी वादी हो, कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता। तीनों काल में मतलब उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति काल में स्थिति काल में लय काल में लय के बाद भी कार्य एकमात्र कारण की अष्टम है। जब यह सिद्धांत पक्का हो गया तो जगत के मूल कारण ब्रह्म को दिखाया, फल तो क्या है कि जगत कभी भी ब्रह्म को छोड़ करके नहीं रह सकता। फिर कार्य को हटा देते हैं तो ब्रह्म में कारण तो चला गया पर ब्रह्म में वस्तु सिद्ध हो जाता है। ये अभिप्राय से क्या कारण का निकालते हैं तो तथा का श्रुति सूत्र ब्रह्म ने जगत कारण तो प्रसिद्ध मिला यद्यपि च इदं ब्रह्म उत्कृष्टतया विभूतया च गति वर्जितम अवतिष्ठते तथापि यथोक्त अज्ञान महात्म्या कार्य ब्रह्मतां प्राप्त गतिमत्यां गंतव्यतां बादरी अधिकरण नयन प्रतिपद्यते तद आह अगति च गतिमत्ताम। ठीक है ना, ये प्रतिक्रिया यहाँ पे यद्यपि च इदम् ब्रह्म, और ऐसा भी है कि ये जो ब्रह्म देखिए इदम् ब्रह्म ये सामने आकर जो बुद्ध का जो है इधर ये ब्रह्म जो है उत्कृष्टतया एक है उत्कृष्ट नित्य मत अभिभूत है व्यापक उत्कृष्ट है व्यापक है ये दोनों होने के कारण आवागमन करने से आपका अंदर विकार होता है। तो कुटस्थ बोलने का अभिप्राय क्या है, कोई विकार नहीं है और विभूति विभु है इसीलिए जाने की जगह भी नहीं। कुटस्थ दया और विभूतया च गति वर्जित, इसमें कोई गति होना संभव नहीं है, अवधिष्ठा गति रहित होकर के विद्यमान रहते हैं। 7 नंबर टिप्पणी विभूतेर सर्वत्र प्राप्तत्व गंतव्यत्व शून्य, उसको जाने योग्य कोई जगह ही नहीं है व्यापक होने के कारण, जहाँ यदि किसी जगह में उसके अभाव होता तो वहां पर जा सकता था। मैं यहाँ से मतलब जा सकता हूँ जब वहां पर शरीर का अभाव है, इसके सब जगह विद्या जाने की जगह नहीं है। अब जो तथापि यथक्त ज्ञान यथक्त अज्ञान महात्म्या इस अज्ञान की जिस प्रकार के अज्ञान को हमें कहा गया है उस अज्ञान की महिमा से कार्य ब्रह्मतां प्राप्त वो क्या होता है वो कार्य भाव को प्राप्त करके गतिमत्तां गतिशील गति वाला हो जाता है, मतलब गंतव्यतां जाने योग्य जगह भी बन जाता है। कौन? ब्रह्म। वो गतिशील भी वो है और जाने जो कुछ स्थान वो होता है। ब्रह्म लोग भी जाते हैं, जाते कौन है ब्रह्म ही जाते कार्य ब्रह्म, इसलिए आप बोलते हैं गतिमत्ता। ये कहाँ पे दिखाया गया? ब्रह्म सूत्र में एक बादरी अधिकरण आता है ना, ये आवागमन कहाँ पे संभव है तो वहाँ पे बादरी ऋषि बोलते हैं कार्य ब्रह्म में संभव है, कारण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म में संभव नहीं है। इसे बोलते हैं बादरी अधिकरण नयन प्रतिपद्यते प्राप्त किया जाता है तत् आहु, से यहाँ पे कहते हैं अगति च गतिमत्ता। ठीक है ना, अब यहाँ पे 9 नंबर की 8 नंबर 9 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है आपके 8 नंबर मतलब कार्य ब्रह्मता मतलब हिरण्यगर्भता अवाप्य है ना। फिर आगे क्या है उपासक अपि आधत्ता उपादत्ता आधत्ते
आधत्ते इति अर्थ उपासक अपि मस्मिन् खाली का धब्ब जैसा रखा हुआ अपि ताम अपि ताम धत्ते इति अर्थ अपि ताम धत्ता यहाँ पे ना पूरा एक ही मात्रा में मोटा का क्या होता है कार्य ब्रह्मताम हिरण्यगर्भताम अवाप्य उपासक अपि आताम आताम धत्ते इति अर्थ मतलब उपासक उसको प्राप्त होता है क्योंकि हिरण्यगर्भ प्राप्त होता है हिरण्यगर्भ रूप में वही उपासक हो जाते हैं उपाश्य हो जाता है एक इनको निराकार ब्रह्म उपाश्य नहीं है परंतु हिरण्यगर्भ रूप में वो फिर उपाश्य भी हो जाता है उपाश्य होने का उपासना करने वाले भी कई होते हैं वो भी ब्रह्म ही है हिरण्यगर्भ नाम अवाप्य हिरण्यगर्भ को प्राप्त करके उपासक अपि अब उपासक भी बनता है हिरण्यगर्भ के रूप में उपास्य है और उपासक को धारण करके फिर जो है वो आवागमन के योग्य बन जाता है गंतव्य ब्रह्म बनते हैं अब जाने वाला भी बनता है यही ब्रह्म मायावादी से कार्य ब्रह्म हिरण्य कर्म है ईश्वर उसके एक के ऊपर व्यक्त है ईश्वर को कार्य ब्रह्म नहीं बोलते कार्य ब्रह्म ईश्वर हिरण्य ईश्वर अलग है कार्य ब्रह्म एक कोटि नीचे है कार्य ईश्वर कार्य रूप नहीं है ईश्वर कार्य रूप नहीं है इसीलिए बोलते हैं हिरण्य कर्म का एक अवाप्य उपशक उपासक अपि अपि ताम आधत्ते नहीं ठीक पढ़ा जा रहा है उपासक फिर उसके बाद उपासक आपका भी आपका ताम आधत्ते अनाय आप्यत्तम ये आप्यत्तम धत्ते आप्य उपासक आप्यत्तम धत्ते आप अपने होने से नहीं लगता है वो उसको प्राप्ति योग्य बन जाता है आप्यत्तम मतलब प्राप्त करने योग्य आप्यत्तम योग्यता उसमें आ जाता है इसी अर्थ और फिर आया आपका बादरी अधिकरण है बादरी अधिकरण है कार्येतु बादरे अस्य गति उपपत्ति ना कार्य ब्रह्म नहीं गति होना युक्ति शब्द इस पर बादरे ऋषि बोलते हैं बादरे ऋषि वे कार्यम तु बादरे बादरे ऋषि ऐसा कहा कि ब्रह्म वेद में वेद के ऋषि ने उनके पहले भी जो ब्रह्म के ऊपर कुछ लिखा उसका तो उद्धृत कर देते हैं तो बादरे ऋषि ऐसा कहते हैं अस्य गति उपपत्ति जीव जगत ईश्वरश्च इति एतत् जत् अना
अविद्यावशात अनेकम प्रतिभाति जीव जगत और जगत ईश्वर का अलग करके दिखाई पड़ते प्रतिभाति एकम